राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कई श्रापों का वर्णन है और हर श्राप के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। कुछ श्राप संसार की भलाई के लिए दिए गए तो कुछ के पीछे महत्वपूर्ण कथाएं हैं। ऐसा ही एक श्राप महाभारत काल से अब तक महिलाओं पर चला आ रहा है। महिलाओं पर लगे इस श्राप के पीछे कुंती और कुंती पुत्र कर्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। दरअसल महाभारत में कर्ण की वीरता की गाथा अलग से वर्णित है, जिसमें महिलाओं पर लगे श्राप और कर्ण की वीरता का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं महिलाओं पर लगे इस श्राप के बारे में, साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, महाभारत के अनुसार कुंती की तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से जिस जिस देवता का तुम आह्वान करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन राजकुमारी कुंती ने भूलवश सूर्य देवता का आह्वान कर दिया, जिससे कुंती को कवच कुंडलधारी सूर्य पुत्र कर्ण वरदान स्वरूप मिल गए। तब तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था। लोक लाज के डर से कुंती ने पुत्र कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन एक माँ होने के नाते कुंती को अपने पुत्र कर्ण का मोह हमेशा से था। कुछ समय बाद जब कुंती का विवाह पांडु से हो गया, तब उनको उसी मंत्र के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल और सहदेव पुत्र रूप में मिले। तब भी कुंती ने किसी को भी कर्ण के बारे में नहीं बताया। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन पांडवों को ये नहीं पता था कि कर्ण उनके भाई हैं। ऐसे में जब युधिष्ठिर को ये सच पता चला तो वो क्रोधित हो गए और ज्येष्ठ भ्राता की हत्या करने पर बहुत दुख जताया। उसी वक्त क्रोधित युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि कभी भी कोई भी नारी चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से महिलाएं कोई भी बात छिपा नहीं पाती हैं। जय श्री कृष्णा।